दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ अर्सेनिक, जो बराबर पैरामिलिट्री इश्यूज को लेकर, जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको लेकर हम बराबर आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। और दुख भरी घटना के कल से जो है बहुत सारे हमारे दोस्त, मतलब हजारों टेलीफोन, सेकंडों की बात छोड़ दीजिए, कुछ के अटेंड कर पाए, कुछ के नहीं कर पाए, मजबूरियां रही। कल हमारी एक बहादुरगढ़ में मीटिंग थी और मुझे पता है, और सभी लोग यही कह रहे हैं जिनकी लॉटरी नहीं निकली खासकर, तो कि सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और लड़के चिल्ला रहे हैं युवा के, भाई हम ओवरेज हो गए हैं, अगला चांस नहीं है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके टेलीफोन अटेंड नहीं कर पाया। मैं कितने टेलीफोन अटेंड करूंगा सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, तो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई सरकार के संज्ञान में लाने के लिए फिर से एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी आपने देखा होगा हमारे युवाओं के पास कहाँ कहाँ से वो लोग पैसे मांग मांग के, किराए के, और तब जो है दिल्ली आए। इवन हमने सरकार को अल्टीमेटम तो दे ही रखा है कि भाई अगर हमारे सभी मेडिकल फिट युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो हम 14 फरवरी को दस्तखत देंगे जंतर मंतर पे। तो ये एक हमारे पास है ऑप्शन। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर इंडेफिनेट, हाँ हो सकता है इंडेफिनेट स्ट्राइक, लेकिन उसका खर्चा कहाँ से आएगा, कौन कहाँ रहेगा, सर्दी का मामला है, खाना कहाँ से खाओगे, कहाँ लेटोगे, कहाँ रहोगे, रात को जंतर मंतर पे ये लोग नहीं रहने देते। धरना प्रदर्शन वो है 14 फरवरी को, आप हमें अपनी राय दीजिए और चैनल को पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बटन दबाइए, ताकि ये आवाज़ दूसरे जो भाई लोग हैं, जो युवा, तक भी ये आवाज़ पहुंचे। हाँ हम कह रहे हैं कि लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं, आइए बैठिए, पिछली बार की तरह नहीं होगा। ये क्या हुआ, क्या हुआ, जब धरना हुआ था आपने देखा होगा कुछ फिरकापरस्त भी आए थे, कुछ यूट्यूब वाले भी आए थे, उनको तो हम भगा देंगे कि वो इस तरह का जो पिछली बार जो किया था। खैर, तो हम ये कर सकते हैं, जब सरकार इस तरह से निकम्मी सरकार कह सकते हैं कि जो युवाओं को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया, तो अपनी राय दीजिए कि यस, आ 3 दिन कर सकते हैं, तो 1 दिन तो होगा ही होगा, 14 फरवरी जंतर मंत्र, आप अपनी राय दीजिए। हम अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, शांतिपूर्ण तरीके से आइए बताइए। सरकार को जगाने के लिए एक ये है, उसमें भी पूरे चांस नहीं है, लेकिन किया जा सकता है, बताइएगा। और हमारी सहानुभूति आपके साथ, अब तो ये पता लग रहा है कि वही 1 लाख से ऊपर मेडिकल फिट हुए थे, क्योंकि हमें तो इन्होंने लिखित में तो जानकारी नहीं दी थी।
सवाल गंभीर है। 1,11,000 वैकेंसी सरहद पर और इन्होंने 60,000 भी नहीं दी, वो भी पूरे नहीं किए। एसएससी लाखों युवाओं का इसने भरोसा तोड़ा है, छलावा किया है। हम सिपाही हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की पिछले 9 महीने से। बराबर आप देख सकते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सोशल मीडिया है, और मंत्री संतरी है, प्रधानमंत्री है, महामहिम है, क्या सब सो गए? आवाज हमने जरूर पहुंचाई। हम उस दौर से गुजरे हैं, फिर भी हम पता नहीं कहाँ से हमें समय निकाला और आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। ये सब आपको पता है, तभी तो आप बोलते हैं कुछ कीजिए। मैं उन लोगों का टेलीफोन नहीं उठा पाया कल, बहुत टेलीफोन आए, बहुत टेलीफोन आए। हम बालोगढ़ में तो मीटिंग भी थी हमारी, बीच में मेट्रो कनेक्टिविटी ऐसी रही। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा जाए। सोचिए और बताइए हमें, हमें आपके यस और नो का इंतजार रहेगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, संघर्ष, जिंदगी का नाम संघर्ष है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ही रास्ता थोड़ी है, बहुत रास्ते हैं। आगे बढ़िए, सोच को बढ़िया रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। SSC GD जो 55,000 तो फिर भी बच गए, तो ये उन तक आवाज़ पहुँचे। ओके।